Hello students, welcome to Unacademy Sapiens, and today we are going to have a very beautiful session. And students, for today our session is going to be on a mock test paper that has been released by the National Testing Agency. Or student, is mock test paper ko dekh ke aapko pata chalega ki aakhir is bar NTA ka jo NEET ka exam hone wala hai uska kya pattern hone wala hai students. जैसा कि आप लोग सबको मेरे को जानते हो, myself डॉक्टर राजकुमार सिंह स्टूडेंट एंड आई एम अनअकैडमी प्लस एडुकेटर. और हम लोग स्टूडेंट्स हर रोज यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके लिए लेके आ रहे हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आज के क्लास को स्टार्ट करें, सबसे पहले मेरे को बता दीजिए कि क्या ये ऑडियो और वीडियो आपको पूरा क्लियर अच्छे से सुनाई दे रहा है, अच्छे से दिखाई दे रहा है, सो दैट वी कैन स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं कमेंट सेक्शन को देख लेता हूं, इफ एवरीथिंग इज क्लियर. ओके सर. सर व्हाट अबाउट डू एंड डाई टॉपिक्स? डू एंड डाई टॉपिक्स विल कंटिन्यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास से वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द डू और डाई टॉपिक्स ओनली. चलिए सर. हाय सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ अच्छा है. यस सर, वेरी इजी पेपर. ओके सर. यस सर, पूरा ऑडिबल है, पूरा विजिबल है. ओके मस्त सर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का आज जो ये मॉक टेस्ट सॉल्यूशंस है, इसमें टोटल लगभग 90 क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चंस. उसमें से कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे एंड स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि एक दिन में पूरा का पूरा 90 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा टफ होता है स्टूडेंट्स. फिर भी वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के सेशन को अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स याद देखिए, दिस इज वन ऑफ द स्मॉल अनाउंसमेंट्स दैट वी आर गोइंग टू मेक, दैट वी आर स्टार्टिंग अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सेल 90 डेज क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020 एग्जाम. एंड जैसा कि हमारा स्लोगन है स्टूडेंट, लेट्स क्रैक इट. यस सर, वी आर गोइंग टू क्रैक इट. अगर आपने अभी तक भी अगर नीट की तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट नहीं की है स्टूडेंट्स, तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स फॉर यू. एंड आई एम टेलिंग यू, इस 90 दिन में ही आप अपने आप में इतना ज्यादा एब्रप्ट चेंज देखने वाले हैं स्टूडेंट. और अगर आप मेरे साथ मिलके इस 90 डे के क्रैश कोर्स को लेते हैं अनअकैडमी प्लस पे, I am giving you a sort of challenge that there will be an abrupt change in your performance because ये course ही ऐसा है. इस course के बारे में मैं student थोड़ी देर के बाद आपको detail में बताऊंगा. पहले हम लोग आज के session को यहाँ पे start करते हैं, student. इस course के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन faculties होने वाले हैं. Mr. प्रतीक जैन is going to be there, गरिमा वर्मा is going to be there, here myself Dr. राजकुमार सिंह and student मेरा साथ देने वाले अनमोल शर्मा. तो स्टूडेंट, देयर आर मेनी गुड एडुकेटर्स इन दिस क्रैश कोर्स. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल, हाउ टू ज्वाइन दिस, ये सभी चीज थोड़ा बीच में बात करेंगे. पहले आज के सेशन को यहां से स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि एनटीए ने रिलीज किया है आप लोगों को, इस एनटीए के पेपर का लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, सारे लोग क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर करना है. और स्टूडेंट ये रहा द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन दैट इज गोइंग टू कम. याद देखिए स्टूडेंट, ये जो भी पेपर है इसे एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, तो अगर इस पेपर में किसी भी तरह की मिस्टेक्स होंगे तो ओनली एंड ओनली एनटीए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टूडेंट्स. तो थैंक यू एनटीए फॉर प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स सच अ गुड प्लेटफॉर्म जहां पे कि आप लोग जाके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर आपकी तैयारी बिल्कुल कैसे चल रही है. और जो पेपर दिया गया है एनटीए के द्वारा, दिस इज रियली अ गुड पेपर, अ इजी पेपर जो कि आप हर साल एक्सपेक्ट करते हैं. सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है. तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, गेट रेडी एवरीबडी. वे हैव near about 83 people on the screen. Okay, so here comes the first question. चलिए तैयार हो जाइए, पहला question on the screen for all of you. This is the first question. चलिए students देखिए इस first question को, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप लोग question को आराम से read कर पाइएगा. Identify the wrong statement in context with the Heartwood. तो चलिए सर जल्दी से इसे देखिए और इस question को answer करने का कोशिश कीजिए students. Come on.
ओके स्टूडेंट्स कम ऑन, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. याद देखिए स्टूडेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट हार्ट वुड है, यू कैन सी हियर, जो हमारा यहाँ पे हार्ट वुड होता है वो वुड के सेंटर वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं, जिसे कि हम लोग ड्यूरामेन भी बोलते हैं. सबको पता है कि ये टेंसाइल स्ट्रेंथ देने में हेल्प करता है, जबकि जो पेरिफेरी में वुड होता है दैट इज कॉल्ड एज द सैप वुड और ऑल्सो कॉल्ड एज द स्प्रिंग वुड. तो स्टूडेंट ये जो तुम्हारा वुड है जो कि बाहर वाले एरिया में होता है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर. तो स्टूडेंट यहां पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद द हार्ट वुड. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट. देखो यार होता क्या है कि यस देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यहां पर क्या चीज का डिपोजिशन होता है स्टूडेंट, तो यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन होता है, यहां कोई मिस्टेक नहीं है. इट इज हाईली ड्यूरेबल, यस सर किंग, यहां पे लिग्निन का डिपोजिशन है तो इसे डिकम्पोज करना बहुत ज्यादा टफ है. तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट हेयर. इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली. तो अभी अभी मैंने बताया स्टूडेंट कि ये फंक्शन हार्ट वुड का नहीं है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सैप वुड. तो स्टूडेंट ये यहां पे एक गलत स्टेटमेंट डाला गया है. एंड स्टूडेंट्स इट कंप्राइजेस ऑफ द डेड एलिमेंट्स दैट इज विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स. यस शुरू शुरू में ही मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि दिस कंप्राइजेस ऑफ द डेड एलिमेंट्स विद द हाईली लिग्निफाइड वॉल्स. तो आंसर नंबर 3 नंबर ये इसका गलत स्टेटमेंट है. ओके बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल एंड बिल्कुल सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का. इजी है, यस सर ऑल द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी. ओके सर, तो रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ स्टूडेंट्स 99 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव. तो अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलिए स्टूडेंट्स इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स स्टूडेंट्स, कम ऑन. और अगर थोड़ा भी आवाज में प्रॉब्लम आएगा तो प्लीज मेरे को थोड़ा बता दीजिएगा. एक्चुअली एक दो दिनों से थोड़ा सा सिस्टम में हमारे प्रॉब्लम चल रहा था, तो यार थोड़ा सा हम लोग को भी आज भी थोड़ा सा स्टार्ट करने में देर हो गया स्टूडेंट्स. वी आर रियली रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. ओके स्टूडेंट्स कम ऑन. तो अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट, सबको पता होगा इसके बारे में. तो स्टूडेंट्स जस्ट डू रिमेंबर दैट ही डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम. तो आखिर इन्होंने फर्स्ट टाइम के लिए क्या डिस्क्राइब किया. तो यस सर स्टूडेंट्स दिस इज अगेन ऑप्शन नंबर 3 दैट इज गोइंग टू बी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. तो जल्दी से यार इस इक्वेशन को कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में ये क्या बोलते हैं, समथिंग कॉल्ड अ इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज द लॉग एस, दैट इज द स्पीसीज रिचनेस का जो लॉगरिथम वैल्यू होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जेड लॉग ए प्लस यू हैव गॉट द लॉग सी. अगर इस इक्वेशन को आप देखिए तो ये इक्वेशन किससे मैच करता है, विद इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c. तो स्टूडेंट ये अलेक्जेंडर वॉन हेलमोंट ने क्या बताया कि जो ये स्पीसीज रिचनेस होता है, ये जो स्पीसीज रिचनेस होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एक्सप्लोर्ड. आप जितना ज्यादा एरिया को एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा स्पीसीज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट. तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप एरिया को बढ़ाए जा रहे हैं. एंड दिस इज द थिंग दैट यू शुड नो, हियर द लेटर एस इज फॉर स्पीसीज रिचनेस. प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि जेड क्या चीज के लिए स्टैंड करता है, व्हाट इज द पैरामीटर दैट इज द जेड. कम ऑन टेल मी व्हाट इज द पैरामीटर दैट इज इंडिकेटेड बाय द जेड. ओके सर ओके, मैं सारे लोगों का नाम लूंगा यार, मैं सारे लोगों का नाम लूंगा, नो डाउट अबाउट दैट. जल्दी से बताइए, जल्दी से स्टूडेंट्स टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. कम ऑन,
ओके ओके दैट इज गोइंग टू बी द रिग्रेशन. यस सर, वेरी गुड स्टूडेंट. ये जो तुम्हारा जेड है, दिस इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन. ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए. याद रखिएगा स्टूडेंट, जितना ज्यादा स्लोप होगा इसका मतलब है कि उतना ज्यादा एरिया आपका कवर होने वाला है, और जितना ज्यादा एरिया अंडर द कर्व आएगा उतने ज्यादा स्पीसीज को आपने क्या किया है, एक्सप्लोर किया है. कम ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसमें ज्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर स्टूडेंट्स. कम ऑन, दिस इज ओके. ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है. तो यहां पे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल्स से कौन बना हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो दिस इज योर फेलम. तो इसमें कुछ भी सोचने का नहीं है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फेलम. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर. और ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन के बारे में अब जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन के बारे में अब जल्दी से बताइए. द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कम ऑन, द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू. यस यस सर, गुड. अब मैं सारे लोगों का नाम भी इस बार लेने वाला हूं, मैं इस बार सारे लोगों का नाम भी लेने वाला हूं. ओके, सो स्टूडेंट्स ऑलवेज डू रिमेंबर, ऑलवेज डू रिमेंबर, ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, सारे लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया है. ओके सर, ये जो तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम है ये आखिर कहां पाया जाता है, तो ऑब्वियसली दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम. उन दोनों के बीच में ये आता है, और उन दोनों के बीच में आके दिस इज गोइंग टू गिव राइज टू दिस सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम. अगर यहां पे आंसर दिया होता तो स्टूडेंट क्या मैंने बताया कि वैस्कुलर कैम्बियम आखिर होता कहां पे है, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम, उन दोनों के बीच में होता है, एंड दिस गिव्स राइज टू समथिंग कॉल्ड एज द सेकेंडरी जाइलम. और स्टूडेंट इसका क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस फॉर द वैस्कुलर कैम्बियम. तो स्टूडेंट वैस्कुलर कैम्बियम विल प्रोवाइड द सेकेंडरी ग्रोथ. ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, बट क्या केवल सेकेंडरी ग्रोथ में, सेकेंडरी ग्रोथ के साथ साथ ये हेल्प करता है वुड फॉर्मेशन में. दिस ऑल्सो हेल्प इन द वुड फॉर्मेशन. तो इन दो चीजों में ये आपको हेल्प करता है. चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर कम द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन क्या है, Which among these is a correct combination of the aquatic mammals? Aquatic mammals का correct combination इसमें से कौन है? जल्दी से question को देखिए स्टूडेंट, जल्दी से question को देखिए. Just I am waiting for your answers. I am waiting for your answers here. Okay, चलिए students. चलिए now let's pay attention here. Let's pay attention here students. Which among the following is a combination of the aquatic mammals? तो अगर यहां पे तुम देख रहे हो, अगर student यहां पे तुम देख रहे हो कि you have got something called as the shark. ये shark को देख रहे हैं. Again student you can see here something called as the trigon. Here you have got the seals. तो What are the things that you need to note down here? Trigon को तो आप लोग जानते होंगे, या trigon को तो आप लोग जानते होंगे. ये trigon आखिर क्या होता है स्टूडेंट, ये trigon आखिर क्या होता है? Come on, tell me. Yes sir, this is your sting ray. ये तुम्हारा sting ray है. तो अगर ये sting ray है, तो स्टूडेंट स्टिंग रे किस कैटेगरी में आता है, ये तुम्हारा किस कैटेगरी में आता है? तो दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश. ये तुम्हारा कार्टिलेजिनस फिश के कैटेगरी में आता है, दैट इज द स्टिंग रे. एंड स्टूडेंट्स अलोंग विद द स्टिंग रे ये जो तुम्हारे शार्क्स हैं, ये भी सेम कैटेगरी में आते हैं, ये भी तुम्हारे सेम कैटेगरी में आते हैं.
तो स्टूडेंट जो सार्क है ये आंसर हो नहीं सकता है, जो ट्राइगोन है ये आंसर हो नहीं सकता है, क्योंकि दे बोथ आर फॉलिंग अंडर द कार्टिलेजनस फेस। तो ऑब्वियस है अब एक ही यहां पे ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी द व्हेल्स, डॉल्फिन्स एंड द सील। सो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू नो द फीचर्स ऑफ द मैमल्स, मैमल्स के फीचर सबको पता है, तो वहां से आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे सार्क इस ऑप्शन में है, ट्राइगोन इस ऑप्शन में है, और इस ऑप्शन में भी ट्राइगोन है, तो आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड नंबर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का आंसर थर्ड नंबर ही हो रहा है, पता नहीं क्यों, एनटीए वाले ने ऐसे ही क्वेश्चन चुन के दिया है, सारे क्वेश्चन का आंसर थ्री ही आ रहा है। कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द हॉर्स। तो जल्दी से स्टूडेंट क्वेश्चन को देख लीजिए, जल्दी से स्टूडेंट क्वेश्चन को देख लीजिए कि आखिर यहां पे ऑर्डर ऑफ द हॉर्स क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इफ यू नो दिस, इफ यू नो दिस। तो ये जो ऑर्डर ऑफ द हॉर्स है स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी द पेरिसोडेक्टाइला। याद रखिए स्टूडेंट, ये मैमल्स का वो ऑर्डर होता है जिनके पास ऑड नंबर, दे हैव गॉट ऑड नंबर ऑफ द टोस। अगर आपके पास टो फिंगर्स में ऑड नंबर है तो दिस इज गोइंग टू बी द पेरिसोडेक्टाइला, एंड वन ऑफ द मैमल इज गोइंग टू बी हेयर द हॉर्स दैट इज हैविंग द ऑड नंबर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्वेटिक व्हाट, एक्वेटिक व्हाट है, अब यू हैव गॉट द एक्वेटिक मैमल्स, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा था, शायद एक क्वेश्चन पहले छूट गया था। ओके, नहीं नहीं, क्वेश्चन छूटा नहीं है। ओके, ऑल द क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम ऑन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था जो कि आपको फ्रॉग के बारे में पूछा है, यहां पे कि आपसे फ्रॉग के बारे में पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन द मेल फ्रॉग्स। ओके स्टूडेंट्स कम ऑन, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेलेक्ट द रूट फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग्स। ओके, हियर वी हैव गॉट मेधा सिंह, प्रियंका ओराव, अभय, विकास कुमार, पूजा भारती, प्रज्वल, प्रेरणा। ओके, 120 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव। ओके स्टूडेंट, जस्ट सी द पेपर दैट हैज बीन गिवन बाय द एनटीए, ऑल द क्वेश्चंस आर एक्चुअली द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एनटीए ने पास्ट ईयर से लिया है। तो यार इस पे भी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं थोड़े देर में, थोड़ा बने रहिएगा, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, व्हाई टू डू इट, बिकॉज एनटीए हैज गिवन दिस। ओके, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है, सेलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म इन द मेल फ्रॉग्स। तो यार याद कर लो, ठीक है, अब पूरा डिटेल में पढ़ने से अच्छा है, याद रखो, पहले टेस्टिस, टेस्टिस के बाद वैसा एफरेंसिया, इसके बाद किडनी, इसके बाद विडस कैनाल, इसके बाद यूरोजेनाइटल डक्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव गॉट द क्लोका। तो ऑप्शन नंबर फोर इज देयर। इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा यहां पे एक डायग्राम लेके आया हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, और भाई अगर आप चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यू आर गोइंग टू हैव दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या चीज बोल रहा है, यहां पे क्या चीज बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहला चीज आपको यहां पे टेस्टिस दिखाया गया है। तो स्टूडेंट दिस इज द पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द टेस्टिस। तो सबसे पहले स्पर्म टेस्टिस से निकला, उसके बाद दिस इज गोइंग टू कम इन दिस रीजन दैट इज द भासा एफरेंसिया। तो नेक्स्ट ये तुम्हारा भासा एफरेंसिया में आया, उसके बाद जो ये रीजन है दिस इज द किडनी, तो ये तुम्हारा थर्ड नंबर किडनी। इस डायग्राम में बिडस कैनाल लेबल नहीं किया गया है, तो यहां पे यू हैव गॉट द बिडस कैनाल, तो ये फिर आ जाएगा तुम्हारा बिडस कैनाल में। देन यू हैव गॉट द यूरोजेनाइटल डक्ट, एंड देन यू हैव गॉट द क्लोका। तो इसका बस एक स्क्रीनशॉट लेके रखे रहो यार, तो आपको ये चीज पूरा याद रहेगा, टेस्टिस, भासा एफरेंसिया, किडनी, बिडस कैनाल, यूरोजेनाइटल डक्ट, एंड फाइनली वी हैव गॉट द क्लोका। ओके, तो हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन, एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर दिस। ओके सर, फ्रॉग नीट, देखिए यार अब यहां पे जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो, यहां पे जो आप लोग यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर क्या फ्रॉग आएगा, क्या अर्थवर्म आएगा, देखिए, देखो स्टूडेंट्स होता क्या है,
देयर इज नो सिलेबस फॉर द नीट। ये जो आपको सिलेबस दिया जाता है ये बस पुराने ईयर का सिलेबस का कॉपी पेस्ट होता है, ठीक है। जो भी चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर कुछ भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो वो आपके सिलेबस में है। प्लीज डोंट आस्क फॉर सिलेबस टू एनीवन, यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। बार बार जाके पता करते हैं कि अब ये है ये नहीं है, ये हटा दिया गया है, ऐसा करके कुछ होता नहीं है। जो भी चीज आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, हर चीज इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पूरा कवर कीजिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव हियर। सो स्टूडेंट, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अब देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं, कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एक्सीटू कंजर्वेशन ऑफ द थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ओके, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। ओके सर, फाइनली मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू गिव द आंसर फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यार तुम लोग एकदम मस्त हो, सब जानते हो, वेरी 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 गुड। तो स्टूडेंट यहां पे ये क्वेश्चन क्या है कि एक्सीटू का क्या मतलब होता है यार, एक्सीटू का क्या मतलब होता है कि मैं आपको कहां पे प्रिजर्व करने वाला हूं, तो जहां पे आप रहते हो वहां पे नहीं, तो वो क्या होता, वो इन सीटू होता, तो वहां से निकाल के मैं तुम्हें कहीं भी प्रिजर्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट अगर तुमने हिमालय रीजन में प्रिजर्व किया तो ये तो इन सीटू हो गया, अगर तुमने अमेजन रेन फॉरेस्ट में किया तो ये भी इन सीटू हो गया, अगर तुमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में किया तो ये भी इन सीटू हो गया। यस सर, हम लोग कुछ पार्क बनाया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, तो इसका मतलब है कि आपका नंबर इतना ज्यादा कम हो गया है कि अगर मैं आपको वाइल्ड हैबिटेट में छोड़ दूं तो वहां पे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इतना जब नंबर कम हो जाता है ना स्टूडेंट्स, तो वी नीड टू प्रिजर्व देम इन द वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क लाइक थिंग। तो स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज द एक्सीटू कंजर्वेशन। ओके चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर पेपर इज द मिक्सचर ऑफ द पास्ट ईयर नीट क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, आई विल टेल यू थोड़ा सा रुक जाइए, आई विल टेल यू कि पेपर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, आई विल टेल यू दैट। Here is the next question on the screen. Important characteristics of the hemichordates. Say with the chordates. Okay, students, चलिए, come on, tell me the answer for this question. Okay, sir, most of you are again able to give me the answer for this question. क्या बोलता है एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन, देखो यार कितने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं नेट में। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमीकॉर्डेट्स, तो यार वी हैव गॉट नॉन कॉर्डेट्स, वी हैव गॉट बीच में हेमीकॉर्डेट्स एंड वन साइड वी हैव गॉट द प्रेजेंस ऑफ द कॉर्डेट्स। तो अब क्या बोलता है, एब्सेंस ऑफ द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड तो यार कॉर्डेट्स के पास होता है, तो स्टूडेंट्स यू कांट से दिस, तो दिस इज अ रॉन्ग वन। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नो सर, दिस इज ऑल्सो नॉट शेयर्ड बाई दिस। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स एंड फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, तो याद देखिए स्टूडेंट द आंसर फॉर दिस इज द फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। So this will be the answer for this question. This is the characteristics that is shared by the hemichordata with what's up with the chordata. Okay sir? Okay. चलिए सर, अब स्टूडेंट्स यहां पे इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जिन लोगों ने भी मेरे को पहली बार आज ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने भी मैंने आपको पहली बार ज्वाइन किया है, उन लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट किस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, किस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा बस एक चीज मैं थोड़ा बता देता हूं, जस्ट वेट स्टूडेंट्स। ओके, देखिए मैं आपके लिए किन किन चीजों को कंटिन्यूअस बार बार लेके आ रहा हूं, जो कि आपको यूट्यूब के थ्रू, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के थ्रू और अनअकैडमी प्लस के थ्रू मिल रहा है। सबसे पहला चीज स्टूडेंट, व्हाट यू आर गेटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, YouTube Live, ये जो हमारा चैनल है Unacademy Sapiens, इस पे मैं आपको हर रोज YouTube Live बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूं,
और स्टूडेंट्स मेरे जो क्लास के टाइमिंग्स होते हैं ये लगभग 10:30 के अराउंड अभी चल रहा है, ये लगभग अभी 10:30 के अराउंड चल रहा है। और 10:30 के अराउंड स्टूडेंट मैं आपको कौन सा टॉपिक लेके आता हूं, तो टॉपिक का नाम भी हमने बड़ा मस्त रखा है, डू एंड डाई, डू और डाई, नॉट एंड डाई। इफ यू डू यू आर नॉट गोइंग टू डाई, इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू सियोरली यू आर गोइंग टू डाई इन द नीट एग्जाम। तो डू और डाई टॉपिक्स, डू और डाई टॉपिक्स फॉर द नीट। और Nearly I am going to cover at least 500 topics here. Nearly I am going to cover 500 topics minimum यहाँ पे मैं cover करने वाला हूँ। बहुत मजा आ रहा है। But sir ये कब तक होगा? तो ये NEET के exam तक होगा। ये मत सोचिए कि आज और कल में ये खत्म हो जाएगा। जब तक NEET का exam आएगा, मतलब at the end of the April we will be completing this 500. और ये 500 topics का importance क्या है? कि students You will get almost minimum 70 questions out of 90 from these topics, whatever I am going to teach you. पहला चीज, दूसरा चीज students, what you are going to get? अगर आप मेरे को, आपके पास Unacademy का ऐप है तो याद रखिए Unacademy के जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, Unacademy के जो स्पेशल क्लासेस होते हैं, इसमें मैंने स्टार्ट कर दिया है बिल्कुल फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, बिल्कुल फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। बट ये जो टेस्ट सीरीज है ये केवल और केवल बायोलॉजी के लिए है, ये केवल और केवल बायोलॉजी के लिए है, जिसमें कि आज हमने पहला टेस्ट कवर किया था, जिसमें कि आज हमने पहला टेस्ट कवर किया था। और यहां का टाइमिंग है 5:30 PM, अभी के लिए ये टाइमिंग है 5:30 PM। आज जिस टॉपिक को कवर किया गया था दैट वाज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अगर आपने आज के क्लास को छोड़ दिया है कोई बात नहीं है, आप Unacademy के स्पेशल क्लास में कल मेरे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा 5:30 बजे 5:30 PM में। और कल होगा टेस्ट नंबर 2 और कल का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स, कल का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। सारे क्वेश्चंस मैं यहां पे खुद से फ्रेम करता हूं और NCERT बुक से फ्रेम करता हूं, जिनका कि NEET में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। एंड स्टूडेंट इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियली थोड़े भी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि आपको सिस्टमिक वे में तैयारी करना चाहिए, तो स्टूडेंट हमारा जो तीसरा चीज है वो एक पेड कोर्स है। और पेड कोर्स क्या है? तो वो है Unacademy का क्रैश कोर्स, Unacademy का क्रैश कोर्स, दैट इज द Unacademy प्लस। तो Unacademy प्लस में आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ऑसम एक्सपीरियंस, जहां पे कि आपको हम हर चीज बताने वाले हैं जो भी NEET के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे चीजें हैं, तो इन सारे चीजों को आपको रेगुलर वे में फॉलो करने के लिए द बेस्ट प्लेस इज फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिटी ऑफ बायोलॉजी, सभी को पता ही होगा मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिटी ऑफ बायोलॉजी। तो स्टूडेंट नेवर फॉरगेट टू ज्वाइन दिस चैनल, दैट इज द सिटी ऑफ बायोलॉजी। यू आर गोइंग टू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन वट एवर आर गोइंग टू टेक प्लेस। ओके चलिए स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, ओके कम ऑन। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन नाउ, द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। सर पीडीएफ अपलोड होगा यूट्यूब के लेक्चर्स के? नहीं, यूट्यूब के लेक्चर्स के पीडीएफ अपलोड नहीं होते हैं। Unacademy स्पेशल क्लासेस में जो होते हैं वहां पे हम लोग पीडीएफ अपलोड करते हैं, ठीक है? ओके सर, तो स्टूडेंट्स इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये जो तुम्हारे बायोस्फेयर के रिजर्व जोन्स होते हैं, जो बायोस्फेयर के रिजर्व जोन्स होते हैं, इनको हम लोग 3 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनको हम लोग 3 एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। याद रखिए जो सबसे सेंटर एरिया होता है उसे हम लोग कोर जोन बोलते हैं, जो सबसे सेंटर एरिया होता है इसे हम लोग कोर जोन बोलते हैं।
ये जो स्टूडेंट तुम्हारा कोर जोन होता है, यहां पे किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट अलाउड। मतलब यहां पे अगर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होता है तो दिस इज गोइंग टू बी टोटली एंड टोटली अ इलीगल थिंग, क्योंकि हम लोग यहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स द रीजन ऑफ द बायोस्फीयर विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज गोइंग टू बी द कोर जोन। देन यू हैव गॉट अ बफर जोन एंड देन वी हैव गॉट अ ट्रांजिशन जोन। तो ये सब के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक जगह में ऐसा है कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, और जब सबसे बाहर में हम लोग आते हैं तो वहां पे आपको ह्यूमन एक्टिविटी इज क्वाइट अलाउड देयर। तो स्टूडेंट्स ये सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। सारे लोग जल्दी से तैयार हो जाइए इस क्वेश्चन के लिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, या जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, यस सर स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स कम ऑन, ओके स्टूडेंट्स कम ऑन, टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो एवरीवन हियर विद द ऑप्शन नंबर 4444। ओके, तो वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम द वायरसेस। सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स याद रखने का है कि ये जो तुम्हारे वायरॉइड्स हैं और ये जो तुम्हारे वायरसेस हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस हो सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वायरॉइड्स के पास स्टूडेंट किसी भी तरह का प्रोटीन कोट अवेलेबल नहीं होता है। दे डोंट हैव अ प्रोटीन कोट अवेलेबल विद देमसेल्फ एंड दे कंसिस्ट ऑफ द आरएनए। तो भाई आपके पास आरएनए है लेकिन यू हैव गॉट नो प्रोटीन कोट, यू हैव गॉट नो प्रोटीन कोट, यू आर गोइंग टू फॉल अंडर विच कैटेगरी, यू आर गोइंग टू फॉल अंडर द वायरॉइड्स कैटेगरी। ओके चलिए स्टूडेंट्स नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो यहां पे तो कुछ बात ही नहीं करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में है तो भाई इसका क्या आंसर होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यस सर दिस इज गोइंग टू बी द आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। ओके स्टूडेंट्स चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर नाउ। माइकोराइजा इज अ एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजा इज अ एग्जाम्पल ऑफ, इसमें भी यार कुछ भी बात करने को है नहीं। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द म्यूचुअलिज्म। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द म्यूचुअलिज्म। ओके स्टूडेंट्स चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलिए अगेन दिस इज अ थियोरिटिकल क्वेश्चन हियर। अ एग्जाम्पल ऑफ द कोलोनियल अलगे, कोलोनियल अलगे का एग्जाम्पल देना है, कोलोनियल अलगे का एग्जाम्पल देना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट्स, कोलोनियल अलगे। ओके ओके वेरी वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गिविंग द करेक्ट आंसर अगेन। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज द वॉलवॉक्स। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द वॉलवॉक्स। ओके ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा और हमेशा रटे हुए होने चाहिए। और सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो यार कितने कितने इजी क्वेश्चन हैं। अब देखो यार बहुत बार लोग मेरे से पूछते रहते हैं आजकल कि सर नीट 2020 का पेपर कैसा होगा, नीट 2020 का पेपर कैसा होगा। तो यार ये क्वेश्चन बार बार कितने बार पूछोगे, मेरा एक ही रिप्लाई है, याद देखिए स्टूडेंट नीट 2020 में जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे ये केवल और केवल दो टाइप के हो सकते हैं। आइदर दे आर गोइंग टू बी इजी क्वेश्चंस और दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी क्वेश्चंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स केवल और केवल दो टाइप के ही क्वेश्चंस इस बार एग्जाम में आने वाले हैं, या तो इजी या फिर वेरी इजी। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ना यार आपको बहुत खराब लगेगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिए प्रिपेयर फॉर अ इजी पेपर, पहले इजी पेपर के लिए प्रिपेयर करो। एक बार तुम्हारा प्रिपरेशन इजी पेपर के लिए हो जाए तभी जाके टफ चीजों पर ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोलता कि टफ चीजों को नहीं पढ़ना है, पढ़ो,
बट पहले पूरा सिलेबस कवर करो विद द इजी थिंग्स ताकि इजी क्वेश्चंस आपका छूटने ना पाए. एंड अगेन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी हाई कट ऑफ. याद रखिए बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ हम लोग यहां पे फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इस साल हुआ था. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके ओके सर, टफ ही आना चाहिए. देखो यार टफ आना चाहिए, अगर टफ आता तो ये हमेशा एक अच्छा चीज होता है. मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर पेपर टफ आएगा ना यार तो मजा आएगा और आपके क्वालिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्योंकि टफ क्वेश्चन में अच्छा चीज क्या होता है कि जितने अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं सारे क्वालिफाई हो जाते हैं. इजी क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है. ठीक है, तो अगर टफ आएगा तो अच्छा होगा. बट क्या करें यार, आजकल जो एनटीए है वो टफ पेपर बना ही नहीं रहा है. हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलिए स्टूडेंट्स कम ऑन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ. स्प्लाइजोसोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ. ओके 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 गुड गुड. तो चलिए यार अब देखो यार, ये जो स्प्लाइजोसोम्स हैं इसका फॉर्मेशन कब होगा, जब आपका ये प्रोसेस होगा समथिंग कॉल्ड एज द स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं यार, स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं, तो स्प्लाइसिंग इज समथिंग कॉल्ड एज द रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स. और ये जो रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स ये चीज क्या चीज में होगा, तो दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स. ये केवल और केवल यूकैरियोट्स में होता है क्योंकि यूकैरियोट्स का जो डीएनए है उसमें एक्सॉन्स भी होते हैं और उसमें इंट्रॉन्स भी होते हैं. तो स्टूडेंट अगर आपके पास एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी है तो इंट्रॉन्स तो यार कोड नहीं करता है, तो उसे मुझे काट कर हटाना पड़ता है. और हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हटाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, SNRNA, that is the small nuclear RNA का इस्तेमाल करते हैं इन इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए. और ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस में आता है, तो ये आता है अंडर द प्रोसेस ऑफ PTM, that is the post transcriptional modification, that is the post transcriptional modification. तो स्टूडेंट्स नेवर ट्राई टू मिस दिस टॉपिक. अगर आपको याद होगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमारे डू और डाई सीरीज का सबसे पहला टॉपिक था, हमारे डू और डाई सीरीज का सबसे पहला टॉपिक था. स्टूडेंट्स अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया है डू और डाई सीरीज का, तो अभी के अभी जैसे ये क्लास खत्म होता है ना यार, वीडियो को जरूर देखे, उसमें मैंने जो भी बताया है हर पॉइंट को नोट डाउन करे. यू आर गोइंग टू गेट योर शॉर्ट क्वेश्चंस, यू आर गोइंग टू गेट योर शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. ओके चलिए स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. ओके सर जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स कम ऑन. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको आंसर आता है, अगर आपको आंसर आता है, अदरवाइज यू हैव टू मेमोराइज दिस, यू हैव टू मेमोराइज दिस स्टूडेंट्स. ओके चलिए कम ऑन. ओके नाइस टू सी. अरे यार आप लोग तो मस्त हो यार, सारे लोगों को आंसर पूरा याद है, बहुत अच्छा लगता है. द लाइफ साइकिल ऑफ द एक्टोकार्पस. यस सर, जो लाइफ साइकिल है स्टूडेंट एक्टोकार्पस का, दिस इज गोइंग टू बी द हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक. एंड फॉर द फ्यूकस दिस इज गोइंग टू बी द डिप्लोंटिक, फॉर द फ्यूकस दिस इज गोइंग टू बी द डिप्लोंटिक, ऑप्शन नंबर थ्री. या देखिए स्टूडेंट यहां पे एक क्वेश्चन सेल साइकिल से बहुत मस्त उठाया जा सकता है. समथिंग कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ द मियोसिस, टाइप्स ऑफ द मियोसिस. ठीक है स्टूडेंट, टाइप ऑफ मियोसिस में यू हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स. एक होता है तुम्हारा समथिंग कॉल्ड एज द इनिशियल मियोसिस. जो इनिशियल मियोसिस होता है
उसको हम लोग बोलते हैं द जाइगोटिक मियोसिस, उसको हम लोग बोलते हैं द जाइगोटिक मियोसिस, मतलब जैसे जाइगोट बना वैसे ही उसमें मियोसिस हो गया। आप खुद सोचो कि जैसे जाइगोट बनता है और उसमें अगर मियोसिस हो जाएगा तो रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा कि नहीं। अगर आप 2n थे तो 2n से आप n हो जाएंगे, तो आपका लाइफ साइकिल क्या होने वाला है? तो जनरली ऐसे एनिमल्स जो कि तुम्हारा हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, वो लोग किस टाइप का मियोसिस शो करते हैं? तो दे शो समथिंग कॉल्ड एज द जाइगोटिक मियोसिस एंड समथिंग कॉल्ड एज द लेट मियोसिस, समथिंग कॉल्ड एज अ लेट मियोसिस। तो स्टूडेंट लेट मियोसिस किसे बोलते हैं? जो कि होता है गैमेटिक मियोसिस, मतलब जब तुमको गैमेट बनाना है उस समय तुम क्या करोगे? उस समय तुम मियोसिस करोगे। जब तुम्हें गैमेट बनाना है उस समय मियोसिस करोगे, तो लेट स्टेज में करोगे। तो यार थ्रू आउट द लाइफ आप क्या थे? थ्रू आउट द लाइफ आप डिप्लॉयड थे, केवल और केवल गैमेट बनने के समय आपने क्या शो किया? हैप्लॉयडी शो किया। तो दे आर गोइंग टू शो दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, तो दे विल बी शोइंग द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लेकिन there is something called as the intermediate meiosis. So intermediate meiosis is going to be the haplodiplontic life cycle. Okay students, come on, let's move now to the next question on the screen. Okay, चलिए स्टूडेंट जल्दी से देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का लाइन उठा के रख दिया गया है, बिल्कुल जल्दी से come on. All are directly from NCERT. Okay students. Thank you. So many people have joined us here again. So we will be naming them. यार आप लोग इतने ज़्यादा नंबर पे आते हो, बहुत मजा आता है. 140 people are now watching. But मेरे को जो ज़्यादा अच्छा लगता है, the do and die topics. शायद आप लोग भी ज़्यादा enjoy करते हो do और die topics में. Okay students, कोई बात नहीं है. We will be continuing the do and die topics from tomorrow. कल से हम लोग do and die topic को continue करने वाले हैं. और फिलहाल यहाँ पे जो question है, Which one of the following are the smallest living cell? तो smallest living cell देखते ही यार मेरे को mycoplasma का नाम याद आता है, लेकिन फिर भी और चीज देख लेते हैं. Known without a definite cell wall. तो यार कभी कभी ये question भी पूछ देता है कि mycoplasma के पास cell wall है कि नहीं है. Pathogenic to plants as well as animals. Yes sir, mycoplasma is highly pathogenic and they can survive without oxygen. That is the mycoplasma, matlab that is anaerobic in nature. To sara points aapne mycoplasma ke bare mein question mein hi bata diya, but ye ek easy question tha isliye isne bata diya. But maximum time agar main ise question banata ya koi bhi acha question setter question banayega to kya banayega? Which of the following is the property of the mycoplasma? To aapko pata hona chahiye, they are smallest living cell, they don't have a cell wall, they are pathogenic and they are anaerobic. सारे पॉइंट्स को याद रखने का है. माइकोप्लाज्मा भी हमारा डू और डाई टॉपिक का एक टॉपिक है जिसे अभी मैंने कवर नहीं किया है. वी विल बी कवरिंग दैट वेरी सून. ओके, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो यार इस क्वेश्चन के बारे में बताओ. डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स. ओके स्टूडेंट्स कम ऑन. ओके जसवंत सिंह, राजकुमार, सावन, ओके सावन यादव, निशा कुमारी, माई क्लासरूम, जया चंद्रा, दीपा नीता, तास्मिया, प्रज्वल, मेधा सिंह, ऋचा कुमारी, अभिषेक तिर्की, कोमल राय, पंकज गुप्ता, प्रज्ञा, सुनीता, महक, जैनम, चंदन कुमार, सुधांशु, नीतू दीक्षित, जसवंत सिंह. ओके स्टूडेंट्स, और भी लोगों का नाम लेंगे, जरूर लेंगे. ओके जसवंत सिंह, मैंने आपका नाम ले लिया शायद. ओके चलिए, तो स्टूडेंट डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया. अब ध्यान दो यार, ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया है, ये लोग किस तरह से, क्या ये लोग कोई डेफिनेट सेल साइकिल शो करता है? तो स्टूडेंट नो सर, दे डोंट शो एनी डेफिनेट सेल साइकिल. तो अगर यार तुम जब डेफिनेट सेल साइकिल नहीं शो करते हो, तो देखो यार ये लोग किस तरह से डिवाइड करता है. मान लीजिए ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज द बैक्टीरिया एंड दिस इज योर न्यूक्लियस. इसका जो न्यूक्लियस होगा उसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है. तो स्टूडेंट दिस इज द डीएनए व्हाट दे आर हैविंग. तो ये लोग क्या करता है, जब भी ये लोग को डिवाइड करना है, जस्ट उससे पहले अपने डीएनए को
डबल कर लेता है। तो स्टूडेंट डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया, तो दे आर सिंपली गोइंग टू डबल द डीएनए जस्ट प्रायर टू द फिशन। तो एक बार ये लोग अपने डीएनए को डबल करते हैं और जैसे इनका डीएनए डबल होता है, जैसे इनका डीएनए डबल होता है तो दे आर गोइंग टू सिंपली शो द प्रोसेस ऑफ द फिशन लाइक दिस एंड दे विल डिवाइड इनटू टू। तो स्टूडेंट दिस इज द वे हाउ दे आर गोइंग टू, तो आंसर इज गोइंग टू बी जस्ट प्रायर टू द फिशन द डीएनए रेप्लिकेशन इन द बैक्टीरिया अकर्स। ओके स्टूडेंट, नॉट ड्यूरिंग द एस फेज। नॉर्मली अगर तुम्हारा ये एक यूकैरियोटिक सेल होता तो उसमें ये चीज होता है ड्यूरिंग द एस फेज। ओके कम ऑन, लेट्स सर बफरिंग, बफरिंग क्या सही में बफरिंग हो रहा है? इज इट बफरिंग? प्रायर का मीनिंग क्या होता है? प्रायर का मतलब होता है पहले, मतलब देखो बाइनरी फिशन होने के पहले, बाइनरी फिशन, ठीक है, तो बाइनरी फिशन से पहले बिफोर दैट इज कॉल्ड द प्रायर। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है सर, नो वन इज फ्रॉम हेयर डायरेक्टली फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द अमेरिका, तो सबको थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी तो आती है यार। चलिए स्टूडेंट्स कम ऑन, हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सारे लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है। Which of the following are not polymeric in nature? इसमें से polymeric कौन नहीं है? तो this is again a very very simple question. Okay, S. Gajian. Okay. Welcome S. Gajian. Okay, then we have Savan Yadav. Then Richa Kumari, Jaya Chandra. Okay, चलो देखो यार polymeric मतलब पॉलीमर किसको बोलेंगे यार? जब तुम बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हो आपस में कुछ इस तरह से, तब जाकर बनाते हो समथिंग कॉल्ड एज अ पॉलीमर। तो बहुत सारे मोनोमर कंबाइन करेंगे तो ही पॉलीमर बनेगा। तो न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो बनेगा। प्रोटीन इज गोइंग टू बी ऑफ द एमाइनो एसिड्स। ओके वेरी गुड। पॉलीसेक्राइड्स आर गोइंग टू बी ऑफ द मोनोसेक्राइड्स। अगेन स्टूडेंट्स वेरी गुड। बट लिपिड्स, जो लिपिड है यार, लिपिड पॉलीमर कहां से हो गया? लिपिड तो बनने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो मुझे एक ग्लिसरॉल चाहिए और मैक्सिमम मेरे को 3 फैटी एसिड चाहिए, तो स्टूडेंट बन जाता है एक ट्राइग्लिसराइड। और यही रीजन है कि जो तुम्हारा लिपिड होता है दैट इज नॉट हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन। तो स्टूडेंट दिस शुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द माइक्रो मॉलिक्यूल, लेकिन सिंस ये तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है तो इसे हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट दिस इज नॉट अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज द लिपिड, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट सो मच ऑफ दैट ऑफ अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो स्टूडेंट होना चाहिए था ये माइक्रो, बट मैक्रो में डाला गया है बिकॉज ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नीट में 2 से 5 के लिए कैसे तैयार हो? बताएंगे ये सब चीज टॉपिक में, हम लोग धीरे धीरे मोटिवेशनल सेशंस भी लेके आएंगे, अच्छे अच्छे सेशंस भी लेके आएंगे, वहां पे भी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी इस सेशन में नहीं। चलिए स्टूडेंट ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ये जो क्वेश्चन है ये लिख लो, नीट में आना ही आना है ये क्वेश्चन, नीट में आना ही आना है, हर साल आता है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द एंजाइम्स। एंजाइम्स के रेफरेंस में कौन सा इसमें करेक्ट है? ओके स्टूडेंट्स कम ऑन, 182 पीपल। सर आप लाइव कितने बजे आते हो? अरे यार रोज तो आ रहे हैं, रोज मैं लाइव आ रहा हूं रात को 10:30 से, बट थोड़ा सा लेट हो जाता हूं यार, रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट कर देता हूं। प्रॉब्लम क्या होता है ना यार, ये जो पूरा का पूरा हमारा अरेंजमेंट है ना, इस अरेंजमेंट को थोड़ा रेडी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को है नहीं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए स्टूडेंट्स ओके चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो होता क्या है स्टूडेंट्स ना,
कि जितने भी तुम्हारे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं, जस्ट ध्यान दीजिए, जितने भी तुम्हारे कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स होते हैं उनके पास दो तरह के चीजें होती हैं, एक होता है उनका प्रोटीन पार्ट और एक होता है उनका नॉन प्रोटीन पार्ट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन और एक होता है नॉन प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एपो एंजाइम, याद रखिएगा इसे बोलते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसे बोलते हैं कोफैक्टर। इसे क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। और जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है तो इसे बोलते हैं होलो एंजाइम, मतलब पूरा एंजाइम। तो पूरा एंजाइम में दो चीजें हैं, एक है प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम और दूसरा है कोफैक्टर। लेकिन कोफैक्टर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वन ऑफ द टाइप इज योर कोएंजाइम, सेकेंड टाइप इज योर प्रोस्थेटिक फैक्टर, सेकेंड चीज द प्रोस्थेटिक फैक्टर, थर्ड कैन बी अ मेटेलिक आयन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोफैक्टर्स। देखो इसमें जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो पूछता है कि कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक फैक्टर में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिए, कोएंजाइम इज लूजली बाउंड टू एपो एंजाइम, ये एपो एंजाइम से लूजली बाउंड होता है, और जो प्रोस्थेटिक पार्ट होता है दिस इज टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। होप स्टूडेंट्स एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो यार देखो, इसका अच्छा आंसर होता होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, बट कोफैक्टर आंसर में नहीं दिया है, बट कोफैक्टर का एक टाइप दिया हुआ है एंड दैट टाइप इज द कोएंजाइम, तो ऑप्शन शुड बी सेकंड नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिए कोफैक्टर ज्यादा बेटर आंसर होता है, बट आंसर में नहीं है, इस कारण से सेकंड नंबर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ओके कम ऑन, ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। So students, we are waiting for your answers. We are waiting for your answers. Yes, sir. A gene whose expression, helps to identify the transformed cell is known as. Okay. चलो यार, finally now 200 people are watching us live और time हो रहा है 11:45. Okay, almost the time is getting over. But student, a gene whose expression helps to identify the transformed cell is known as. So students, याद रखिएगा, इसमें हम लोग इसका आंसर देने वाले हैं selectable marker. Different types of selectable markers can be there. जैसे कि mainly आपको अगर बात करता है PBR322 के बारे में, PBR322 बायोटेक्नोलॉजी, इसका जो सेलेक्टेबल मार्कर होता है वो होता है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस, इसका होता है एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। इसे अच्छे से पढ़िएगा, ऐसे मैं अपने डू और डाई में भी इस टॉपिक को लेके आऊंगा। स्टूडेंट्स, यहां पे दो तरह के रेजिस्टेंस है, एक है टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस और एक है एम्पीसिलिन का रेजिस्टेंस। इसी में एक और आपको याद करना है, एनसीईआरटी में नहीं है बट इट कैन बी आस्क्ड, पीयूसी, दैट इज द प्लाज्मिड है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया है, इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर है वो होता है तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एनसीईआरटी में बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन दे हैव नॉट रिटन द नेम ऑफ द प्लाज्मिड, कि किस प्लाज्मिड के बारे में वो लोग बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द पीयूसी, दैट इज गोइंग टू बी अ प्लाज्मिड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हेयर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विथ अ न्यूक्लियोसोम indicates, with a nucleosome indicates. Come on students, the question here is the association of the histone, with a nucleosome. Okay students, चलो यार जल्दी से बताओ,
तो यार ये जो H1 होता है ये क्या चीज में हेल्प करता है, सबको पता होना चाहिए कि जो भी तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, जो भी तुम्हारे क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये डीएनए का सेगमेंट है, ये हमारे पास डीएनए का सेगमेंट है, तो डीएनए के सेगमेंट को अगर पैकेज करना है तो स्टूडेंट हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो हिस्टोन का इस्तेमाल करते हैं, और हिस्टोन को यूज करके हम लोग उन्हें पैकेज करते हैं इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन फाइबर्स। और जब हम लोग इसे क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं तो दे गिव अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस, दे गिव अ बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस। एंड स्टूडेंट्स इसी में इन सारे हिस्टोन्स का यूज होता है, हिस्टोन्स के बारे में भी मैं अपने डू और डाई टॉपिक्स में अच्छे से बता दूंगा आपको। स्टूडेंट्स अभी के लिए जानिए जो बेसिक क्वेश्चन है कि हिस्टोन्स किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, तो दे आर द बेसिक प्रोटीन्स। सिंस दे आर द बेसिक प्रोटीन्स उनका चार्ज क्या होना चाहिए, तो उनका चार्ज होना चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि डीएनए तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है तो ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू बी रिच इन विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड्स, तो दे आर गोइंग टू बी रिच इन द आर्जिनिन एंड लाइसिन, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों तुम्हारा बेसिक अमाइनो एसिड है, दोनों का दोनों तुम्हारा बेसिक अमाइनो एसिड है। ये क्वेश्चन लगभग बार बार नीट में आते रहता है। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स कम ऑन, देखो यार ये इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। ओके संजय कुमार यादव, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट, लगता है ज्यादा रात हो गया है, सारे लोग अब सोने जा रहे हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एग्रोस जेल कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग विथ इथीडियम ब्रोमाइड। ओके स्टूडेंट्स इथीडियम ब्रोमाइड से हम लोग को उसे स्टेन करना है और उसके बाद इसे यूवी रेस में एक्सपोज करना है, और जब इसे यूवी रेस से एक्सपोज करोगे तो दे विल बी विजिबल एज द फ्लोरोसेंट बैंड्स। ओके कम ऑन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जलता ज्यादा रात हो गई है स्टूडेंट्स, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट्स मूवमेंट ऑन एन एग्रोस जेल ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए स्टूडेंट ये तुम्हारा एग्रोस जेल का इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट है, इफ दिस इज अ इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट, अगर ये मान लीजिए तुम्हारा पॉजिटिव पोल है और ये तुम्हारा नेगेटिव पोल है, एंड स्टूडेंट यहां पर हमने एक मीडियम अप्लाई कर दिया है और ये मीडियम है एग्रोस जेल, तो एग्रोस जेल यहां पे एक सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यहां पर एक सीविंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब देखिए सीविंग इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट, कि एग्रोस जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि एक टनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जस्ट पे अटेंशन, मान लीजिए ये एक टनल है और इस टनल के थ्रू तुम्हें ट्रेवल होके क्रॉस करना है, तो तुम्हारा साइज अगर छोटा होगा तो तुम बहुत ही आसानी से इस टनल से क्रॉस कर जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा साइज बड़ा होगा तो तुम इस टनल में फंसने लगोगे और तुम ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट जितना छोटा साइज का फ्रेगमेंट होता है वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, और जितने बड़े साइज के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो उतने कम डिस्टेंस कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, बिल्कुल ही गलत है। द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, यस सर दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट हियर। ओके स्टूडेंट्स चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को क्या बताना यार, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट, सारे लोगों को पता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट्स। ओके स्टूडेंट्स लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यार अब देयर इज नो क्वेश्चन, टाइम हमारा आज का खत्म हो गया है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी रिवील करने वाला हूं, तो प्लीज थोड़ा सा बने रहिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एनटीए ने इस पेपर को कहां से अपलोड किया है, ठीक है, एनटीए ने इस पेपर को कहां से अपलोड किया है, तो नाउ आई एम टेलिंग यू
फ्रॉम वेयर द एनटीए हैज अपलोडेड दिस पेपर. ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट आई टेल यू, पहले जब मैंने भी इस क्वेश्चन को देखा तो 10-12 क्वेश्चन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी सेम पेपर से उठाया गया है. एंड स्टूडेंट्स आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स द रियलिटी ऑफ दिस पेपर. एनटीए का जो ये पेपर अपलोडेड है, आप लोग बहुत सारे लोग पीडीएफ कर रहे हो, ये पेपर है पूरा का पूरा नीट 2017 का पेपर. याद रखिए स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट पेपर ऑफ नीट 2017. इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जितने भी पास्ट ईयर के पेपर्स हैं ना यार, उसे आप रट लो. सारे के सारे क्वेश्चन जो आज मैंने कराया, सारे का सारा क्वेश्चन आपको नीट 2017 के पेपर में मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज पूरा अच्छे से याद रहना चाहिए. 2017 का ये पेपर है जो कि एनटीए ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है. तो यार लोग आपको इधर उधर भटकाएंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको ये पेपर दूंगा, मैं आपको वो पेपर दूंगा. लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि ये पेपर है कहां से, ये पेपर है कहां से. तो यार नीट ने, अब देखो क्या चीज आपको यहां पे सीखना है, क्या चीज आपको यहां पे सीखना है, अब मैं आपको बताता हूं, जो कि एक सीक्रेट बात है, जो कि एक सीक्रेट बात है, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हो, क्योंकि आप मेरे साथ बने हुए हो स्टूडेंट. आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस एनटीए. ठीक है यार, सुनोगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फायदा होगा. देखिए मैं आपको बताता हूं हाउ आई एनालाइज दिस मूव ऑफ एनटीए. मैं एनटीए के इस मूव को किस तरह से एनालाइज करता हूं. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो लेट्स सी. देखिए एनटीए को एक पेपर अपलोड करना था, एनटीए को एक पेपर अपलोड करना था किसके लिए, फॉर अ मॉक टेस्ट, फॉर अ मॉक टेस्ट. अब आप ध्यान दो, अब सब कोई यहां पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट का एक पेपर एनटीए अपने से बनाकर अपलोड नहीं कर पाया. ठीक है, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एनटीए जो कि आप देख रहे हैं. और अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि एनटीए की स्थिति क्या है एट प्रेजेंट. एनटीए एक पेपर खुद से बनाकर अपलोड नहीं कर पाया ऑन द वेबसाइट. इसने क्या किया, इसने क्या किया, 2017 का पेपर को अपलोड कर दिया, 2017 के पेपर को अपलोड कर दिया सारे स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है, क्या सीखते हैं इससे कि स्टूडेंट एनटीए के पास अभी क्वेश्चन सेटिंग बॉडी पूरी तरह से तैयार नहीं है. ठीक है, पहला चीज. दूसरा चीज स्टूडेंट्स, आप अगर वेबसाइट पे जाओगे और अगर तुम इस क्वेश्चन पेपर को देखोगे, तो मैंने तो सारा क्वेश्चन खुद से यहां पे आपके लिए टाइप किया था, बट एनटीए के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए टाइप कर सके. उसने सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके अपलोड किया है, उसने सारे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है. जब आप उसके वेबसाइट पे क्वेश्चन को देखोगे तो आप देखोगे कि क्वेश्चंस ठीक से क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चंस ठीक से क्लियर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं. तो स्टूडेंट्स यहां पे तुम क्या सीखते हो कि एनटीए जो पेपर आपका बनाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो नीट 2020 में आने वाले हैं, नीट 2020 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ देम विल बी पास्ट ईयर क्वेश्चंस. सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे. Most of them will be based on past year questions. और अगर NTA कुछ नए questions बनाएगा भी आने वाले 3 महीनों के अंदर में, तो students that questions are going to be easy and very easy. ये चीज दिमाग में रखिएगा और इस चीज को दिमाग में रख के ही आपको तैयारी करनी है. यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम. अगर स्टूडेंट आपने पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसमें जितने क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने समझ लिया, स्टूडेंट्स यू विल लव दिस. आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू रॉक दिस पेपर.
इस बार लास्ट ईयर भी आपने देखा था एनटीए का पेपर कितना इजी था, बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉबैक्स, क्योंकि एनटीए अभी पूरी तरह से रेडी ही नहीं है। स्टूडेंट्स, एनटीए नीट के अलावा भी और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करता है, मैंने उनको भी फॉलो किया, मैंने उन पेपर्स को भी फॉलो किया आप लोगों के लिए। एंड स्टूडेंट्स, मैंने वहां भी लोगों से बात किया कि एनटीए अभी किस स्टैंडर्ड का पेपर बना रहा है। तो स्टूडेंट्स, सारे एग्जाम ने बोला, जो भी लोग दूसरे दूसरे एग्जाम देते हैं, कि भाई जो स्टैंडर्ड पहले यहां हुआ करता था वो अब यहां आ गया है, जो स्टैंडर्ड यहां था वो अब यहां आ गया है। तो स्टूडेंट्स, बी रेडी। याद देखिए, ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लोग आपको डराते रहेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा पढ़ लो, वैसा पढ़ लो। डरो मत यार, जो ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड को फॉलो करो। जब तुम ट्रेंड को फॉलो करोगे तुम्हारे क्वालिफिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। तो याद रखिए कि पेपर तो इजी ही होगा, आप 2-3 महीने में भी तैयारी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं 3 मंथ का एक्सेल 90 डेज क्रैश कोर्स ऑन अनअकैडमी प्लस, क्योंकि मुझे पता है कि 3 महीने पे भी आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। यार, आप इस एग्जाम को फोड़ सकते हो। स्टूडेंट्स, याद देखिए, इन 3 महीने में हम लगभग आपको 300 घंटे पढ़ाने वाले हैं। 3 महीने में मैं आपको लगभग 300 आवर्स हम लोग पढ़ाने वाले हैं। एंड ऑल द गुड एडुकेटर्स आर गोइंग टू बी देयर। स्टूडेंट्स, याद देखिए, हम लोग इसमें केवल क्रैश में आपको बस क्रैश नहीं करवा देंगे कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स को खत्म कर दे। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू कवर द फुल सिलेबस, जो भी तुम्हारा एनसीईआरटी में है, जो भी नीट के एग्जाम्स में आ सकते हैं। एंड हियर विल बी एक्सक्लूसिव लाइव डाउट सेशंस। आपने अगर किसी कोचिंग में अभी तक तैयारी की है और आपके डाउट्स कौन सॉल्व करेगा यार, वंस यू आर ओवर विद द कोचिंग, यू कैन हैव द वीकली क्लोजेस। This is going to be NCERT covered, board exam के लिए भी covered हो ही जा रहा है। And students, all the classes are totally live. और सबसे ज्यादा important क्या होता है यार, सबसे ज्यादा important क्या होता है, हमारे faculties। तो जो physics आपका जो सबसे बड़ा problem है ना यार, इन सर को तो आप देखते ही होंगे, ये भी आपको YouTube पे मेरे session के पहले या बाद में classes लेते हैं। He is an awesome faculty of physics, students, awesome faculty है ये physics के सर, Mr. प्रतीक जैन सर। He is having a experience of 7 years of teaching. He is very, very young and very, very energetic. He will make your physics very, very simple. So students, he has already taught at many branded institutes, students. Along with this, you have got for chemistry, the Garima Burma. She is also a very, very experienced faculty. सबसे important चीज होता है ना यार, कि केवल आपको फैकल्टीज को नहीं देखना है, देखना है कि क्या वो नीट के एग्जाम में कितना अच्छा पढ़ाते हैं, वो नीट के एग्जाम के लिए कितना अच्छा पढ़ाते हैं। बायो तो यार आप जानते ही हो, आप मेरे से यहाँ पे रोज पढ़ ही रहे हो, और अगर आप लाइव क्लासेस में आओगे तो सोचो मैं आपके लाइफ में क्या चेंजेस लाने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी डॉक्टर राजकुमार सिंह हियर। I am an MBBS doctor from RIMS Ranchi, and at present I am at Ranchi only. This is the class live from Ranchi, and we are saath dene wale hain Anmol Sharma, he is also a MBBS. Okay students, to do MBBS doctors aapko direct biology padhane wale hain. Along with this student, कैसे ज्वाइन करना है वो तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो आप Unacademy के ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर इस प्लस सेगमेंट में जाना है। एंड स्टूडेंट्स, तब जाके आप यहाँ पे देखो यार, आप चाहें तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट आई विल से यू टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब आप इसमें डिस्काउंट कोड ये सब अप्लाई कर दोगे ना यार, तो जो प्राइस यहां पे आने वाला है वो प्राइस नियरली आपका 13,000 के आसपास आएगा। बस 13,000 रुपए में यू आर गोइंग टू हैव अ 3 मंथ कोर्स। बट ये मत सोचो यार, ये मत सोचो ना कि केवल और केवल हम लोग यहाँ पे 3 मंथ कोर्स ही कराने वाले हैं। अभी तक मैंने अपने जो पूरे के पूरे ईयर में कोर्सेस में जो भी पढ़ाया है, आप सारे वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो, सारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, सारे के वीडियोस आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर मान लो, देखो यार, मेरा तो कोई भी मकसद नहीं है कि आप क्वालिफाई ना करो, अगर मान लो तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए ना यार, सारे वीडियोस अगले साल के लिए रख लेना, उसी वीडियोस से आप फिर से तैयारी कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। ऑल द ऑसम फैकल्टीज आर देयर, फैकल्टीज लाइक मिस्टर डीसी पांडे सर भी आपको अवेलेबल हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में। और अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यार, यू आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट्स, याद देखिए, जब भी इसे ज्वाइन करे, ऑलवेज ट्राई टू यूज दिस कोड। और अब ये जो कोड है,
पहले था ये सिटी ऑफ बायोलॉजी, मैंने अब इसे आपके लिए चेंज कर दिया है ताकि यार आप कोई मिस्टेक ना करें। आर के सर लाइव, या देखिए सारा शॉर्ट लेटर्स में यूज करना है आर के सर लाइव। जब आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल गेट ऑसम डिस्काउंट स्टूडेंट, सिंपली यूज दिस कोड आर के सर लाइव। और आप ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट गेट में है, ये सब यार आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग आराम से कर सकते हो। आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ऑसम थिंग्स स्टूडेंट, जो कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आपको मेल किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ यू ज्वाइन देयर तो वी विल मीट यू इन द लाइव क्लासेस। और अगर आप वहां ज्वाइन नहीं कर रहे हो किसी कारण से, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, एक तो आप मेरे से बात कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है, सिटी ऑफ बायोलॉजी, दिस इज माय ईमेल आईडी, cityofbiology.pmt@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मेरे से इस पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। मैं आपके मैसेज को अनअकैडमी तक पहुंचा दूंगा, अगर वो लोग हेल्प करना चाहें तो दे विल श्योरली हेल्प यू। एंड अलोंग विद दिस ऑलवेज ज्वाइन मी फॉर माय यूट्यूब लाइव क्लासेस। याद देखिए स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब लाइव क्लासेस को कभी मिस मत करे, कभी भी मिस ना करे। अगर आप प्लस क्लास नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो ना यार, आई एम गोइंग टू कवर 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट डू और डाई टॉपिक्स। हर रोज मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं और मेरे क्लास के टाइमिंग्स होते हैं 10:30 PM, रात को क्लासेस स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 10:30 PM, कभी कभी ये 11 बजे भी शुरू हो सकता है। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरा टेलीग्राम चैनल है फिर से सिटी ऑफ बायोलॉजी। आप कहीं भी सिटी ऑफ बायोलॉजी सर्च करोगे आप मेरे को ही पाओगे। दिस इज द सिटी ऑफ बायोलॉजी, जो कि एक ब्रांड अब बन गया है, एंड दिस वॉज बीन डेवलप्ड बाई मी ओनली। तो सिटी ऑफ बायोलॉजी को आप सर्च करो, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग मेरे क्लासेस कब होते हैं। एंड स्टूडेंट, लास्ट थिंग फॉर टूडे स्टूडेंट्स, कल अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, अनअकैडमी का जो स्पेशल क्लास होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, यहां पर ऑल इंडिया बायोलॉजी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। एंड स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट नंबर 2, एंड दैट विल बी ऑन द बायोमोलिक्यूल्स, ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से आएंगे। तो गेट प्रिपेयर्ड और कल मेरे को आप ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी पे इन द स्पेशल क्लास, कितने बजे, 5:30 PM में, डोंट फॉरगेट। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो और पूरा का पूरा एनसीईआरटी याद कर लो। कल हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अब जो लोगों को भी नहीं पता कि सर किस तरह के क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आज के लाइव सेशन को देखो, आज भी मैंने 5:30 में इस सेशन को कवर किया था। आप अनअकैडमी पे जाके इस सेशन को देख सकते हैं, मेरे प्रोफाइल के नीचे में ये अवेलेबल होगा। आज हम लोगों ने कवर किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए लेट्स मीट टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू कवर द सेशंस। ओके, तो मिलते हैं। अब यार थोड़ा सा और पढ़ लेना यार, थोड़ा देर और पढ़ लेना तभी जाके सोना। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस वॉज अ ऑसम सेशन टुडे, गुड नाइट फ्रॉम माई साइड, मीट यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल, एंड द टॉपिक विल बी डू और डाई टॉपिक। याद देखिए, डू और डाई टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है अनअकैडमी पे। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर। ओके बाय बाय। सर कल आओगे या नहीं? कल आएंगे सर, कल आएंगे, जरूर आएंगे। वी हैव गॉट विजय लक्ष्मी, गुड नाइट, गुलनाज, निशा कुमारी, जया चंद्रा, देव अरोरा, शुभम त्रिपाठी, अंशु, कोमल रॉय, सुधांशु, जया चंदर, अंकिता, सोहेल, शशिकांत। अरे यार तुम लोग तो जा ही नहीं रहे हो यार, जाने का मन नहीं करता क्या आप लोग को जाने का मन नहीं करता क्या? ओके, आलोक दुबे, सोहेल खान, गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय बाय। अब जाओ यार, क्लास को बंद करते हैं। चलिए बाय बाय। ओके गुड नाइट।